हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है क्विक विन। सक्सेसफुल बनना हर कोई चाहता है, चाहे फील्ड कोई भी हो। और जब बिजनेस की बात आती है तो हर पर्सन सक्सेसफुल होने के लिए ही बिजनेस की शुरुआत करता है। फिर भी हर बिजनेसमैन सफल नहीं हो पाता है और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुँच पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग एवरेज सक्सेस को ही रियलिटी मान लेते हैं। सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने, इस सवाल का जवाब आपने बहुत से बुक्स और आर्टिकल में ढूंढा होगा और आपको जवाब भी मिला होगा। फिर भी अगर आप इन बेसिक स्किल्स और बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं तो हर सक्सेसफुल बिजनेस के पास होते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि भले ही आपका बिजनेस आइडिया और प्लान अलग अलग हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस इन बिजनेस सिमिलर होता है। इसलिए आज क्विक विन के इस वीडियो में आपको ऐसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स बताने जा रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप बिजनेस की सक्सेस को देख सकेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेस बनने के लिए 10 जरूरी रूल क्या है। रूल नंबर 1, रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ रिस्क लेना ही होता है, बल्कि बिजनेस में सक्सेस और प्रोग्रेस जैसे बहुत कुछ होता है, लेकिन रिस्क भी बिजनेस का इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने के साथ ही आपको रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहना होगा, तभी आप सक्सेस के बारे में सोच सकेंगे। रूल नंबर 2, डरना छोड़ना होगा। डर सभी को लगता है, लेकिन जो लोग डर का सामना करते हैं और उससे बाहर निकलने की तरीके जानते हैं, वही अच्छे और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसे में बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए कुछ नया आजमाने के दौरान या मार्केट में चेंजेस होने से फेलियर से सामना होता रहता है और रिस्क फैक्टर भी बहुत बार हावी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप घबरा गए तो समझिए आपके बिजनेस की ग्रोथ वही रुक गयी, जबकि अगर आपने फेलियर को एक्सेप्ट किया और रिस्क को हैंडल किया और आगे की स्ट्रेटेजी बनाई तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। रूल नंबर 3, मनी मैनेजमेंट को समझना। बिजनेस स्टार्ट करने और उसमें सफल होने के लिए मनी की जरूरत तो होती ही है, लेकिन केवल बहुत ज्यादा मनी ही आपके बिजनेस को सफल बना सकती है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस कम पैसों से भी सफल हुए हैं, जबकि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां भी बिजनेस में फेल हुई हैं। इनका रीजन ये है कि पैसों के साथ आपको मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि कैसे कम पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए जहां बेनिफिट ज्यादा हो, जहां से बिजनेस ज्यादा तेजी से बढ़ सके और कम पैसे से ज्यादा पैसे तेजी से बनाकर और अपने बिजनेस में लगाया जा सके। रूल नंबर 4, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए आप नॉर्मल ग्रोथ तो कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो सकते, और यही आपके बिजनेस पर भी पूरा लागू होता है। इसलिए कंफर्टेबल महसूस करने के बजाय आपका एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने दायरे से बाहर निकलकर हर दिन कुछ नया और अलग बड़ा करने का प्रयास करेंगे, और इसी एटीट्यूड से आपका बिजनेस सबसे अलग, सबसे आगे और सबसे तेज हो पाएगा। रूल नंबर 5, सेक्रीफाइस करना होगा। अक्सर ये माना जाता है कि एक बिजनेसमैन बहुत कंफर्टेबल और मनपसंद जीवन जीता है, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन आपको किसी बॉस के अंदर काम करने के प्रेशर से तो बचा लेता है, लेकिन अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको बहुत से सेक्रीफाइस करने होते हैं। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन इस सेक्रीफाइस की वैल्यू को समझता है और इसे फॉलो भी करता है, फिर चाहे सुबह जल्दी उठना हो और देर तक काम करते रहना हो, 24 घंटे सातों दिन बिजनेस की ग्रोथ से संबंधित प्रोजेक्ट से जुड़े रहना हो या पार्टीज में जाना छोड़ना हो, एक बिजनेसमैन इससे पीछे नहीं हटता। और एक बार जब उसे सेक्रीफाइस और हार्ड वर्क की वैल्यू समझ आ जाती है तो बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है और उसे सेक्रीफाइस का बेनिफिट सक्सेस के रूप में मिलना शुरू हो जाता है। रूल नंबर 6, सही मेंटोर चुनना। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास सही मेंटोर होना बहुत जरूरी है। अक्सर नए बिजनेस अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड के एडवाइस को ही फॉलो करते रहते हैं, जबकि उन्हें एक ऐसे रियल मेंटोर की तलाश करनी चाहिए जो सक्सेस को करीब से देख चुका हो, जिस सक्सेस को वो आप पाना चाहते हैं। ऐसा मेंटोर ही आपके बिजनेस में सही गाइड साबित होगा, क्योंकि वह आपको बारीक से बारीक जानकारी देगा, रिस्क और फेलियर से बचाएगा और आपके मिस्टेक को कम करने में मदद करेगा। इसलिए बिजनेस की सक्सेस के लिए एक सही मेंटोर होना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 7, पैसों से अधिक समय को महत्व देना होगा। एक बिजनेसमैन का पूरा टाइम अक्सर मीटिंग में ही गुजरता है, और अगर आप समय पर मीटिंग में नहीं पहुंच सकते तो समझे आपके सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में
सबसे बड़ी समस्या यही है, इसलिए टाइम की वैल्यू समझिए और समय को पैसों में ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि समय ही आपको पैसों तक पहुंचा सकता है। रूल नंबर एक, सफल लोगों के ग्रुप में रहना होगा। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो आपका सफल लोगों के साथ मिलना जुलना और उनसे आइडियाज शेयर करना तथा सफल एंटरप्रेन्योर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आपका समूह होगा वैसा ही आपका माइंडसेट बनेगा। और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपका माइंडसेट बोर्ड होना बहुत जरूरी है, जिसमें चैलेंजेस को हैंडल करने का रिस्क लेने और कुछ नया करने की हिम्मत हो। और ऐसा माइंडसेट तो सफल लोगों के आसपास ही रहकर डेवलप हो सकता है। रोल नंबर 9, स्ट्रॉन्ग लीडर बनने के साथ साथ कंटेस्टेंट लर्नर भी बनना होगा। सक्सेस पाने के लिए आप में लीडरशिप स्किल तो होनी ही चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए सही समय पर सही डिसीजन ले सके और अपनी टीम को सही गाइडेंस दे सके। लेकिन इसके साथ साथ आपको लगातार लर्न करते रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे लर्नर होंगे, तो बिजनेस में आने वाले चेंजेस, मार्केट की बदलती डिमांड्स और बिजनेस की नीड्स को आसानी से समझ पाएंगे और उनके अनुसार सही डिसीजन आसानी से ले सकेंगे। ऐसा करके ही आप हर बार कुछ नया और इंटरेस्टिंग फीचर ऐड कर पाएंगे, जो इस तेजी से बदलते हुए मार्केट की सबसे पहली जरूरत है। रूल नंबर 10, सही समय पर सही एक्शन लेना। भले ही आपके पास ऐसे ग्रेट आइडियाज हो जो आपके बिजनेस को तेजी से ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे या परफेक्शन हासिल करने में ही समय बर्बाद करते रहोगे, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ नहीं पाएगा और हो सकता है कि आपके एक्शन लेने से पहले ही वे आइडिया पुराना हो जाए या आपसे पहले ही उसे कोई दूसरा यूज कर ले। इसलिए प्लानिंग के साथ साथ सही समय पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिजनेस की सक्सेस के लिए आपको एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए इन 10 रूल्स के अलावा कुछ और बातें भी जरूरी है, जो आप ध्यान में रख सकते हैं, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड, स्टेइंग हेल्दी और अच्छे पार्टनर को चूज करना। इस वीडियो में बताए गए रूल्स को समझना आपके लिए आसान साबित हुआ होगा और ये रूल्स और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो कृपया करके फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।